आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं भूमि आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की किसी खास खबर पर। प्रोफेशनल कांग्रेस के राजमहल लोकसभा अध्यक्ष अभिषेक गोयल की नियुक्ति को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी में विरोध उत्पन्न हो गया है। सोशल मीडिया में भी अध्यक्ष अभिषेक गोयल और जिला कांग्रेस सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर के बीच खींचतान शुरू हो गई है। सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर नलिन मिश्रा ने सोशल मीडिया में प्रोफेशनल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के नाम प्रेषित एक पत्र वायरल किया है, जिसमें अभिषेक गोयल को अध्यक्ष पद से निष्कासित करने की मांग करते हुए अभिषेक गोयल पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। नलिन मिश्रा के द्वारा जिला कमेटी की ओर से प्रोफेशनल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य विक्रम जायसवाल के नाम वायरल किए जा रहे पत्र में अभिषेक गोयल के पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने की बात तक कही है। इसके जवाब में सोशल मीडिया में ही अभिषेक गोयल ने भी भ्रामक जानकारी वायरल करने की बात कही है। अभिषेक गोयल ने एक मुलाकात में कहा है कि सोशल मीडिया में मेरे खिलाफ जो भी तथ्य वायरल किए जा रहे हैं वह निश्चित रूप से भ्रामक जानकारी है। मैं किसी भी तरह से पार्टी विरोधी काम में शामिल नहीं हूँ। मुझे प्रोफेशनल कांग्रेस के प्रदेश कमेटी के द्वारा जिला अध्यक्ष तथा राजमहल लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेवारी दी गई है। मैं अभी इसी पद पर कायम हूँ। मुझे किसी तरह निष्कासित से संबंधित पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। मैं कांग्रेस पार्टी के हित में काम कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा। अगर मेरे खिलाफ भ्रामक जानकारी आगे फैलाई गई तो मैं इसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। वहीं जिला कांग्रेस के अध्यक्ष उदय लखवानी ने कहा कि जिले में जिला कमेटी सर्वोच्च है, बिना जिला कमेटी की जानकारी में किसे क्या पद दिया गया है इसे मैं नहीं मानता हूं। पाकुड़ से मकसूद आलम की रिपोर्ट। अभिषेक जी, जिला अध्यक्ष के एक लेटर पेड वायरल हो रहा है जिसमें आपको डिस्कशन की बात कही जा रही है, क्या मामला है? ये ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ गतिविधि हुई है, लेकिन जो भी हुआ है वो भ्रामक जानकारी है हमारी। इस बाबत प्रदेश अध्यक्ष श्री विक्रम जायसवाल, आदित्य विक्रम जायसवाल जी से एवं पार्टी के और भी जो है अन्य आलाकमान के पदाधिकारी हैं उनसे भी बात हुई है। अगर आगे भी जो है ऐसा भ्रामक सोशल मीडिया पे पोस्ट के माध्यम से फैलाया जाएगा तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मैं पार्टी ने मुझे AIPC के जिला अध्यक्ष राजमहल का दायित्व सौंपा है और मैं अभी भी इस पद पर स्थापित हूँ। मुझे मेरे निष्कासन की या किसी भी तरह की कोई चिट्ठी प्राप्त नहीं हुई है। मैं जैसे काम कर रहा हूँ वैसे ही काम करते रहूँगा। अध्यक्ष महोदय, प्रोफेशनल कांग्रेस जिला अध्यक्ष अभिषेक गोयल का एक मामला व्हाट्सएप में वायरल हो रहा है, उसमें आपके लेटर पेज पर जो है उनको निष्कासन के लिए आला कमान को भेजा गया है। पिछले आपका 21 तारीख का वो लेटर है, आज तक 25 दिन हो गए हैं, क्या अब तक कोई वहां से उनका लेटर आया निष्कासन के मामले में? देखिए, इनकी सूचना जो है हम लोग ने उनके प्रदेश अध्यक्ष को दे दिया है, आदित्य राज जायसवाल जी को भी, और इनके लिए हम लोग ने जिले में जिला कमेटी की बैठक भी हुई थी। उस बैठक में सभी जिला कमेटी के लोगों ने ये निर्णय लिया कि इनको क्या नाम, इनकी मतलब कार्यविधि जो है ठीक न होने के कारण, और दूसरी बात सबसे बड़ी बात यह है कि इनको बिना हमारे सूचना के ही बना दिया गया, जबकि यहाँ पे पता चला है वो हम लोग को चिट्ठी आई हुई है, हम लोग को PCC की तरफ से चिट्ठी आई हुई है कि कोई भी कार्यकर्ता जब तक उसकी 2 साल की अवधि नहीं हो जाती है तब तक उसको किसी प्रकार का पद नहीं दिया जाएगा। तो वो तो अभी हमारे का मतलब जिले में हमारे द्वारा वो सदस्य ही नहीं बनाए गए हैं, तो पहले तो वो सदस्यता ग्रहण करें ना। वो सदस्य नहीं बने और प्रदेश से उनको बना दिया गया है कि क्या नाम है, ये AIPC के जिला अध्यक्ष इनको बना दिया गया। सर, तो कहीं पे हम आपके जो पत्र में लिखा गया है RSS विचारधारा उनके परिवार से लोग जुड़े हुए हैं, अभिषेक गोयल क्या अब तक कोई इस तरह का मामला आया है जो क्या बोलता है विचारधारा कांग्रेस विचारधारा से उलट काम कर रहा हूँ? देखिए, काफी लोगों ने यहाँ पे जब हम लोग की बैठक चल रही थी 21/10 को हम लोग ने एक तो यहाँ पे मीटिंग रखी थी, उस मीटिंग में काफी लोगों ने उनके बारे में बोला कि इनकी कार्यशैली कुछ इसी प्रकार की है, और काफी लोगों ने बोला कि क्या नाम है कुछ उनके द्वारा बांटा भी गया था, क्या नाम है, गिफ्ट वगैरह बांटी गई थी जिसमें कि उनके परिवार के द्वारा लिया गया और
तो हमको तो जितने भी यहाँ पे लोग बैठे थे कोई भी उनके पॉजिटिव उनके बारे में बात ही नहीं कर रहा था, सब उसके अगेंस्ट में बात कर रहे थे। और सब लोग एक ही चीज बोल रहे थे कि जिला कमेटी देखिए सर्वोपरि होती है, जिला कमेटी एक संगठन है और संगठन के विरोध में तो हम नहीं ना जाएंगे, संगठन की तो बात हमको सुननी पड़ेगी। अभी सर अभी से गोयल आपके प्रोफेशनल जिला अध्यक्ष माना जाए या नहीं माना जाए? देखिए हम लोग की तरफ से तो वो नहीं है, हम लोग की तरफ से तो देखिए उसी दिन निष्कासित किए यहाँ से चिट्ठी भेज दिया गया। अब प्रदेश की तरफ से चिट्ठी निकला है कि नहीं निकला इसकी बात हमको नहीं पता है, इसकी सूचना हमको नहीं दी गई है। जब प्रदेश से उसको अध्यक्ष बनाया गया था उसकी भी सूचना हमको नहीं दी गई थी, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ एक ही नियम है कि इन्होंने ही नहीं पीसीसी के बड़े अधिकारियों ने प्रदेश अध्यक्ष लोग ने ही एक ठो नियम निकाला है कि कोई भी व्यक्ति जब तक 2 साल वो अपनी कार्यकर्ता के मतलब के द्वारा वो काम नहीं कर रहा है, कार्यकर्ता नहीं है, तब तक उसको किसी प्रकार का पद नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे तो उन्होंने सदस्यता ही ग्रहण नहीं किया है, तो सदस्यता तो पहले वो मेरे सदस्य तो बने ना, उनके बाद फिर देखा जाएगा कि वो क्या है नहीं है। तो ये तो हम लोग ने सूचना उनको दे दिया है पीसीसी की, अब उन्होंने क्या किया है कार्रवाई इसकी हमको अभी तक सूचना नहीं मिली है। अभी तक वो कांग्रेस सदस्यता ग्रहण नहीं किया है अब तक।